तो दोस्तों अगर आप 12,000 रुपए की कीमत में एक जबरदस्त और एक अच्छा सा फोन लेने को सोच रहे हैं जिसमें आप लोगों को अच्छी बैटरी लाइफ, जबरदस्त रैम मैनेजमेंट और अच्छी आप लोगों को डिस्प्ले मिले, जहां पर एक जबरदस्त प्रोसेसर मिले, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, डे बाय डे में यूज करना चाहते हैं और एक अच्छा सा जबरदस्त फोन लेना चाहते हैं 12,000 रुपए कीमत लगाकर, यानी कि आपका बजट है 12,000 रुपए का, तो इस बजट में आप एक अच्छा सा स्मार्टफोन बाय कर पाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो फोन बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छे और जबरदस्त फोन है। इन फोन्स में आप लोगों को 6GB रैम मिलेगी, 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, कुछ फोन्स में 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, किसी में आप लोगों को 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, किसी में 5000, और आपको एक अच्छी डिस्प्ले मिलेगी जिसमें आप लोगों को अच्छी आप लोगों को रिफ्रेश रेट मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ अच्छे प्रोसेसर मिलेंगे जिसमें आप लोगों को गेमिंग करनी हो गेमिंग आप कर पाएंगे, डे बाय डे में भी आप उनको यूज़ कर पाएंगे और आपका फ़ोन हैंग भी नहीं करेगा और आपका फ़ोन हीट भी नहीं करेगा, फ़ोन बहुत ही अच्छे निकल कर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को ये टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने यहाँ पर तीसरे स्मार्टफोन से। तीसरा फोन हमारा निकल कर आता है सैमसंग का गैलेक्सी M12। बहुत ही अच्छा फोन है, इस फोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स मिल जाती है, प्राइस भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी मिलती है, यानी कि अंडर 12,000 की रेंज में आप लोगों को ये फोन मिल जाता है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। इस फोन की अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो आप लोगों को ऑक्टा कोर 2 GHz का आप लोगों को सैमसंग एक्सिनोक्स 8 प्रोसेसर मिलता है, जो कि पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। गेमिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हैं इस फोन में, जहां पर 6GB रैम मिलेगी, 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। आप 12,000 रुपए की कीमत में आप लोगों को 128GB का इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम कोई भी फोन में देखने को नहीं मिलने वाली है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो 6.5 इंचेस की 90Hz के रिफ्रेश रेट वाली HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि TFT पैनल होता है, जहाँ पर आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है और एजेस और चिन पतले मिलते हैं। देखने में फोन स्टाइलिश लगेगा फ्रंट और बैक से। अगर बात करें कैमरे की तो इस फोन में आप लोगों को 48+5+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सिस्टम मिलता है LED फ्लैश लाइट के साथ और 8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें अगर बैटरी की तो 6000mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है। तो इस फोन में कई सारी खूबियां मिल रही हैं, जैसे कि फास्ट चार्जिंग मिल रही है, 6000mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, USB Type-C पोर्ट मिल रहा है, जबरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस आप लोगों को मिली, क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है और एक अच्छी डिस्प्ले मिल रही है, जहां पर जबरदस्त प्रोसेसर आप लोगों को मिल रहा है। गेमिंग वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा और जबरदस्त फोन ये निकल कर आता है। अब बात करेंगे यहाँ पर इस फोन के प्राइस की। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो फोन आप लोगों को 11,499 रुपए कीमत में फ्लिपकार्ट पे आप लोगों को ये फोन मिल जाता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर अपने दूसरे स्मार्टफोन की। दूसरा फोन हमारा निकल कर आता है Poco M3। Poco M3 एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट फोन है, बहुत ही जबरदस्त फोन है, बहुत ही अच्छी आप लोगों को इस फोन में स्पेक्स मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। Poco M3 की अगर बात करें तो इस फोन में आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2 GHz का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहां पर 6GB रैम मिलती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन बहुत ही जबरदस्त है, जहां पर प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट है। अगर देखा जाए तो 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज साथ में मिल रहा है, जिससे कि ये और भी पावरफुल हो जाता है। गेमिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया फोन निकल कर आता है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो 6.53 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जहां पर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर, स्प्लैश प्रूफ और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन भी आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है। एजेस बहुत ही पतले मिलते हैं, चिन हल्का सा ठीक ठाक मिल जाता है। कैमरे की अगर बात करें तो आप लोगों को इस फोन में ट्रिपल कैमरा मिलता है, 48+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश लाइट के साथ और 8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। फोन बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। वहीं पर अगर बात करें बैटरी की तो 6000mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फोन में भी मिल जाता है। तो इस फोन में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेक्स मिल रही है, जहां पर फुल HD डिस्प्ले, जबरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस और 6000mAh बड़ी बैटरी, USB Type-C पोर्ट और एक अच्छा प्रोसेसर, ये सारी खूबियां भी आप लोगों को इस फोन में मिल जाती हैं। तो अगर देखा जाए इस फोन के प्राइस तो ये फोन भी आप लोगों को 11,500 रुपए की कीमत में मिल जाता है। बहुत ही अच्छी कीमत में आप लोगों को ये फोन मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पर आप इस फोन को भी बाय कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने पहले स्मार्टफोन की। पहला स्मार्टफोन हमारा निकल कर आता है इन्फिनिक्स की तरफ से Hot 10S। बहुत ही अच्छा फोन है, 10,500 रुपए की कीमत में बहुत ही अच्छा फोन निकल कर आता है, जिसमें आप लोगों को जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। इन्फिनिक्स Hot 10S की बात करें तो आप लोगों को इस फोन में बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिलता है, जो कि MediaTek Helio G85 प्रोसेसर है, जहां पर 6GB रैम मिलती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है, जो कि ऑक्टा कोर होता है, 2 GHz की स्पीड आप लोगों को मिलती है इस फोन में। यहां पर अगर बात करें डिस्प्ले की तो 6.82 इंचेस की एक बड़ी एंड ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि HD+ होती है, जहां पर आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है।
कैमरे की बात करें तो 48+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है, क्वाड एलईडी फ्लैशलाइट आप लोगों को देखने को मिलती है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इस फोन के बैटरी की तो आप लोगों को इस फोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और USB OTG सपोर्ट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो फोन बहुत ही अच्छा ये भी निकल कर आता है। जहां पर अगर बात करें इस फोन के प्राइस की तो ये वैल्यू फॉर मनी मुझे फोन लगा, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा। इस फोन की कीमत आप लोगों को 10,500 रुपए की कीमत में ये फोन आप लोगों को मिल जाता है। इसको मैंने इसलिए पहले नंबर पर रखा क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा और इसमें आप लोगों को अच्छे स्पेक्स भी देखने को मिल रही। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं तो पोको M3 के साथ भी जा सकते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे स्पेक्स देखने को मिलती है। तो ये थे टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 12,000 की रेंज में, जहां पर आप लोगों को बड़ी बैटरी और अच्छी डिस्प्ले, जहां पर आप लोगों को साथ ही साथ 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलता है। तो ये सारी खूबियाँ आप लोगों को इन फोन्स में देखने को मिली। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा फोन सबसे बेस्ट लगा इन फोन्स में से, कौन सा लेने का सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा उन लोगों को जो एक बेस्ट फोन लेना चाह रहे हैं 12,000 के रेंज में, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड जय।